Hey people, welcome to our channel. Today I'm going to make zira rice, so let's start it. इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे यहाँ पे 3-4 लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक तेजपत्ता, 8 से 10 काजू लिया है हमने, और यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी बासमती राइस जिसे हमने धो के रख लिया हुआ है। तो और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम बिरयानी पुलाव मसाला, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे लिया है हमने कुकर और उसमें हमने लगभग 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है, और उसके बाद हम काजू को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। काजू जब हमारा रोस्ट हो जाएगा तो उसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। काजू हमारा रोस्ट हो चुका है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। हमने जो इलायची ली थी उसे कूट लिया है। लौंग यहाँ पे ऐड किया है हमने, तेज़पत्ती एंड छोटी इलायची उसको भी हमने कूट लिया है, और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लगभग 2 टेबल स्पून जीरा, क्योंकि ये जीरा राइस है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पैचुला की हेल्प से भी ऐसे मिक्स कर सकते हैं। और इसमें अब हम जब हमारा तड़का चटक जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे राइस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरा राइस बनाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला यूज़ किया, आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जितना खाते हैं। थोड़ा सा टर्मरिक यूज़ करेंगे, टर्मरिक आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप काजू यूज़ करें तो टर्मरिक यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके बाद टेस्ट बहुत सही आते हैं। और हमने जो बिरयानी पुलाव मसाला लिया था उसको यूज़ कर लिया है। आप किसी भी कंपनी का मसाला यूज़ कर सकते हैं या मसाला स्किप भी कर सकते हैं। मसाला यूज़ करने के बाद टेस्ट बहुत ही सही आता है इस वाले राइस में। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लाइक दिस, एंड उसमें हम यूज़ करेंगे मिक्स करने के बाद काजू जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। यहाँ पे काजू ऐड कर लिया है मैंने, और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है मैंने, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद 1/2 गिलास और पानी ऐड करना है हमें। और अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 विसल तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे। अब देखिए जीरा राइस रेडी हो गया है हमारा। देखिए राइस कितने खिले खिले बने हैं, एकदम कलर भी कितना अच्छा आया है इसका। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने यहाँ पे 1 सर्विंग बाउल में ले लिया है, और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे धनिया यूज़ किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।